उरन खाड़ी में मिली संदिग्ध नाव, पुलिस ने शुरू की जांच। उरन पुलिस ने शुक्रवार की सुबह उरन क्रीक में एक संदिग्ध नाव के अवैध रूप से लंगर डाले जाने के बाद एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि नाव में कोई नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने 1500 लीटर डीजल जब्त किया। नाव पर कोई नाम या नंबर प्लेट नहीं मिला। समुद्री सुरक्षा शाखा के एक गश्ती दल ने शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे उरन क्रीक के पास नाव को देखा। पुलिस के मुताबिक उरन के पिरकोन से वासिनी इलाके में तड़के करीब 3 बजे एक संदिग्ध लकड़ी और फाइबर की नाव लगी हुई मिली। समुद्री सुरक्षा शाखा की पेट्रोलिंग टीम ने जब इसका मुआयना किया तो नाव के अंदर कोई नहीं था। उरन पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि नाव पर कोई नाम या नंबर नहीं था और यहां तक कि नाव पर कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं था। पेट्रोलिंग टीम ने जब नाव के बर्फ और मछली के टैंकों की जांच की तो उन्हें वहां करीब 1500 लीटर डीजल जमा मिला। टीम ने आसपास के इलाके में तलाश की, लेकिन नाव के आसपास कोई नहीं मिला। पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि हम संदिग्ध नाव की जांच कर रहे हैं और नाव को कौन लाया और उन्होंने इसे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि नाव में कोई नहीं था, समुद्री सुरक्षा शाखा ने नाव को अपने कब्जे में ले लिया और उरन पुलिस स्टेशन को सूचित किया। नाव के बारे में स्थानीय तहसीलदार कार्यालय को भी जानकारी दी गई। उरन नाला सुरक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है। इसी बीच उरन पुलिस ने पेट्रोलियम अधिनियम के साथ धारा 285, 336 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नवी मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में लगभग 144 किलोमीटर तटीय क्षेत्र है, जिनमें से 44 किलोमीटर एरोली से वासी तक एक नाला है। इसके अलावा लगभग 60 किलोमीटर गहरे समुद्र तटीय बेल्ट हैं, जो ठाणे के पास दीघा से उरन के पास करंजा तक फैले हुए हैं। उरन में एक बंदरगाह है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई घाट हैं। शामिल होने के तुरंत बाद FPJ से बात करते हुए पुलिस आयुक्त श्री मिलिंद भरांबे ने कहा था कि तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा नवी मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चूंकि तटीय क्षेत्र आतंकवादी दृष्टिकोण से लैंडिंग पॉइंट है, इसलिए नवी मुंबई यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा हो।